हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जगताप ने राव साहेब के सामने उसके 25 साल पुराने काले कारनामों का वीडियो चलाया तो वहीं अपने काले कारनामों को देखकर बुरी तरह से कांप उठा राव साहेब। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहाँ सवी ने अपने कॉलेज फीस भी अरेंज कर ली है और साथ के साथ अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी ईशान तैयार नहीं है एडमिशन देने को। वो एक बार फिर से फाड़ देगा सवी के एडमिशन फॉर्म को, जिसकी वजह से सभी को फिर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो वहीं सभी बुरी तरह से परेशान हो जाएगी, दुखी हो जाएगी और अपनी उम्मीद खो बैठेगी कि वो कभी अब भोसले इंस्टीट्यूट में पढ़ पाएगी। और इसी दौरान सभी टकराने वाली है जगताप से और अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम शेयर करने वाली है जगताप से, जहां जगताप सभी को हिम्मत देता नजर आएगा और कहेगा कि बेटा तुम टेंशन मत ले, तेरा मामा जगताप अभी जिंदा है। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां जगताप गुस्से में आग बबूला होकर सीधे सीधे पहुंच जाएगा भोसले हाउस, तो वहीं जगताप को अपने घर में अपनी आंखों के सामने देखकर उड़ जाएंगे राव साहेब के होश। जहां जगताप राव साहेब से पूछता हुआ नजर आएगा कि जब सभी ने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो उसे अब तक कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह है, मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्टली फेस टू फेस जानने के लिए आया हूँ। तो वहीं राव साहेब के तो मुंह पे ताला ही लग जाएगा जगताप को देखकर। अब शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि राव साहेब खुद को डिफेंड करते नजर आने वाले हैं और उल्टा सभी पर ही इल्जाम लगाने वाले हैं कि वो लड़की टाइम से अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंची ही नहीं। तो वहीं जगताप राव साहेब के चालाकियों को समझ जाएगा और कहता हुआ नजर आएगा कि अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम जरा इस वीडियो पर गौर करना, ये मेरे पास कई सालों से सेव है। जहां राव साहेब अपने 25 साल पुराने काले कारनामों का वीडियो देखकर थर थर कांपने लगेगा और सीधे जा गिरने वाला है जगताप के कदमों में। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जहां जगताप कहेगा कि मैं अगर चाहूँ ना तो 2 मिनट के अंदर ही अंदर सभी के लिए इससे भी अच्छा कॉलेज खुलवा सकता हूँ, लेकिन सभी अपनी माँ की तरह थोड़ी जिद्दी ही है, जो वो ठान लेती है एक बार बस वही करके रहती है, उसे इस कॉलेज में ही पढ़ना है, इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टाइम तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, आगे तुम्हें पता है कि तुम किससे पंगे ले रहे हो। तो दोस्तों, शो का अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।